हाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मैं नबील है। iOS 18.1 बीटा 1 ये एक बहुत बड़ा अपडेट जो है साबित हुआ है, खास करके आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स यूजर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस हमको देखने मिला है। और ये जो हमारा वीडियो है आज का, ये एक रिव्यू वीडियो है कुछ दिन यूज करने के बाद iOS 18.1 बीटा 1 को। आज है थर्सडे और ये अपडेट जो आई थी मंडे को, तो मंडे से लेकर थर्सडे तक मैंने इसको तकरीबन 3 दिन समझ लीजिए प्रॉपरली इस्तेमाल किया है। और ये रिव्यू के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा इसमें क्या चीज सही से काम कर रही है, क्या चीज सही से काम नहीं कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स इसमें आपको फेस करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे तरीके से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे आई है वो आई है एप्पल इंटेलिजेंस के रूप में। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको ये AI वाला बटन या एप्पल इंटेलिजेंस वाला बटन देखने मिलेगा। और यहाँ पे प्रूफ रीडिंग, री राइट का ऑप्शन डायरेक्टली दिया हुआ है। आप यहाँ पे टैप करके फिर ये सारे ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो, जिसमें प्रूफ रीडिंग है यानी कि इसमें जो पंक्चुएशन है, जो कॉमास है, वो सही लगे या नहीं लगे है। री राइट यानी कि इसको अलग स्टाइल में आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं री राइट करता हूँ, तो इसने थोड़ा अलग स्टाइल में इसको जो है लिख कर हमारे सामने पेश कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। ये इमीडिएट होता है क्योंकि ऑन डिवाइस है। अगर यही चीज आप सैमसंग में देखोगे या सैमसंग के कोई फोन में देखोगे, जैसे S24 अल्ट्रा है या फोल्ड 6 है, बस है वो फोन भी, तो उसके अंदर आपको यही चीज थोड़ी सी स्लो नजर आएगी क्योंकि वो सर्वर्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे आपको ऑन डिवाइस सब कुछ देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे ये जो है काफी अच्छे तरीके से काम करता मुझे नजर आया। इसी के साथ यहाँ पे कोई भी जो हम बात किसी से करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैसेज में मैं थोड़ा सा बदतमीजी से किसी को रिप्लाई कर रहा हूँ, अब मुझे से लग रहा है कि यार मैं सही नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको जो है अगेन इस पे टैप करके फ्रेंडली वे में भी रिप्लाई कर सकता हूँ। देखिए इसने फ्रेंडली बना दिया उस मैसेज को, और ये मुझे पसंद नहीं है, तो इसमें रीट्राई दबा दबा के है बार बार प्रेस करके मैं यहाँ पे और भी इसका टोन चेंज करते रह सकता हूँ। तो यहाँ पे रिवर्ट कर देता हूँ मैं, ताकि ये हमारा जो सैंपल है मैसेज वो रेडी रहे। और इसी को प्रोफेशनल, इसी को कंसाइज, ये सारी चीजें कर सकते हैं। कोई आपको ईमेल भेजता है या कोई आपके पास PDF डॉक्यूमेंट है या आपके पास कोई नोट्स है, उसको आप टेबल में, लिस्ट में, की पॉइंट्स में, समरी में कर सकते हैं चेंज। ये मैंने आपको न्यू फीचर्स में बताया था, यहाँ सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये सारी चीजें ऑलमोस्ट परफेक्टली काम करी। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत जो है इसमें पेश बिल्कुल भी नहीं आई, सब चीज जो है प्रॉपरली काम करी। और मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर लग रहा है। अगर हम किसी को मेल लिखते हैं, हम किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे हमारा कमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर हम थोड़े से रूड भी हो जाते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें हमको बहुत ज्यादा ये चीजें जो है काम आ सकती है। और ये चीज एप्पल ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। मैं मतलब विश कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं विश करूंगा कि सभी को मिले ये चीज, जो कि नहीं मिलने वाली अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 15 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स के लिए। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो जाता है क्योंकि ऑन डिवाइस की वजह से यहाँ पे एप्पल ने इस पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या क्या वजह से रिस्ट्रिक्ट किया है ये एप्पल का खुद का डिसीजन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और सबको मिलना चाहिए था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और नेसेसरी फीचर है। नया सीरी का जो एनिमेशन है वो इसमें काफी कूल लग भी रहा है और अच्छे से काम भी कर रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर ये चीज आपकी समझ नहीं रहा है प्रॉपरली, तो आप फिर से उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आए सीरी के अंदर, और आप सीरी को जो है कोई चीज बोलते बोलते फिर उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आप वेदर पूछ रहे हो किसी को, जैसे सीरी को कोई जगह का, तो वेदर पूछने के बाद आप फिर वहां के बारे में कोई और चीज भी पूछ सकते हैं, तो ये भी चीज। और अगर वो समझता नहीं तो सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड करके लिख के आ रहा है। और यहाँ पे ये वाला बटन भी आपको देखने मिल रहा है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे फीडबैक शेयर करने का ऑप्शन भी आ रहा है, आप एप्पल को फीडबैक शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी चीजों में जो इंप्रूवमेंट है वो काफी अच्छा है, और आप इंप्रूव करने में हेल्प भी कर सकते हो सीरी। अगली चीज है दोस्तों, यहाँ पे जो आई है जिसको यूज करके मैंने देखा कुछ दिन, क्योंकि उस टाइम पे तो यूज करके देखने मिला नहीं था, वो है ये रिड्यूस इंटरप्शन वाला फोकस मोड। तो यहाँ पे इसको ओपन करे तो एक बार, और यहाँ पे आपको बताता हूँ रिड्यूस इंटरप्शन को मैंने इस्तेमाल करके देखा। इसमें पीपल और एप्स मैंने ऐड नहीं किए, तो कोई भी अलाउड नहीं है इसके अंदर, कोई मुझे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। बट इसके अंदर जो है एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड जैसा ही फोकस आप समझ लीजिए, मैंने इसको सेट करके देखा भी था। फिर आप इसको और कस्टमाइज करेंगे, इसमें शेड्यूल सेट करेंगे, फिल्टर सेट करेंगे, तो फिर और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। बट ये ओके काम कर रहा है, यहाँ पे मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं आई, और सारे नोटिफिकेशन को इसने साइलेंट भी करके रखा था। तो ये भी एक फोकस इसके अंदर एप्पल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और इंप्रूवमेंट होंगे भी इसके अंदर, लेकिन अभी कोई फिलहाल इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। कॉल रिकॉर्डिंग का जो नया फीचर आया था वो भी प्रॉपरली काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ कमियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं, जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग अभी मौजूद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी आएगी नहीं। लोग जो है पहले बेटा के अंदर ही, इसका पहला बेटा है जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग आई है, और उसमें शुरू हो गया कि ऑटोमेटिक नहीं है, घटिया है, बेकार है। अरे भाई रुक तो जाओ, हो सकता है आ जाए, अगर नहीं आए तो फिर आप घटिया बोल देना। तो यहाँ पे थोड़ा सबर करने वाली बात है कि यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। बहुत सारे इसमें इश्यूज आएंगे, बग्स आएंगे, हो सकता है अगले अपडेट में एप्पल इसको पुल बैक भी कर ले, बोले नहीं इसको और ठीक करके हम पुश करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर जो लैंग्वेज सपोर्टेड है वो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन कॉल रिकॉर्ड आपके कोई भी लैंग्वेज में हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए लोकल जो है वो मैं हूँ, और एप्पल इंटेलिजेंस जो लिखा
हुआ यहाँ पे वो सामने वाले की वॉइस है, क्योंकि मैं नंबर एप्पल इंटेलिजेंस नाम से स्टोर किया, एक्चुअली एयरटेल का कस्टमर केयर नंबर है, ऐसे मैंने स्टोर कर दिया एयरटेल का लिख के दिखाना आपको, इसलिए तो यहाँ पे ये समराइज जो कर रहा है ये इंग्लिश वाला समराइज प्रॉपर्ली करेगा, हिंदी अगर रहेगा तो यहाँ पे वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा फिलहाल, तो आगे जाके मे बी एप्पल इसको ऐड करे। तो आप इसको सुन भी सकते हो, ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी लगी कि कॉल रिकॉर्डिंग आपके नोट्स में क्यों स्टोर हो रहे, कॉल रिकॉर्डिंग के लिए अलग से एक फोल्डर होना चाहिए जैसे सैमसंग के फोन्स में होता है, वहाँ पे आपकी कॉल रिकॉर्डिंग स्टोर होनी चाहिए, फिर आप वहाँ से ट्रांसक्राइब करना चाहे तो फिर वो नोट में अगर ओपन हो जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। बाकी और भी फीचर्स बहुत सारे हैं जो कि ठीक से काम कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक आपको मैंने चीज बताई थी कि सेटिंग्स के अंदर जनरल में आईफोन स्टोरेज में एक नई चीज ऐड हो गई है जो कि स्टोरेज घेर रही हमारा, वो है एप्पल इंटेलिजेंस। तो देखते हैं कितना आप स्टोरेज ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते 2.87 GB है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 10 GB वगैरह चला जाएगा, क्योंकि हम जैसे जैसे एप्पल इंटेलिजेंस यूज करेंगे वैसे वैसे ये ज्यादा जो है यहाँ पे जगह घेरेगा, लेकिन इसने ज्यादा जगह घेरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम जो है इस वाले अपडेट में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि जो अदर्स वाला स्टोरेज या सिस्टम डेटा जो है वो भी यहाँ पे एकदम नॉर्मल सा है मेरे फोन में, और इसमें कोई बगी बिहेवियर आपको नजर नहीं आएगा। और उस टाइम मैंने आपको जब मैंने अपडेट किया था उस टाइम भी बताया था कि जो अवेलेबल फ्री स्पेस है वो बढ़ गई है अपडेट करने के बाद से, तो ये भी अच्छी चीज है। स्टोरेज रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। एप्स कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे इस वाले अपडेट के अंदर, तो एप्स ऑलमोस्ट सारे सही काम कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे क्रैशिंग वगैरह एप्स के अंदर देखने नहीं मिली, और इसमें कोई दिक्कत जो है मुझे नहीं आ रही, तो ये भी मामले में जो है ये वाला अपडेट अच्छा ही है। बाकी यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर एप्पल ने कम किया है, वो हीटिंग रिलेटेड इश्यू की वजह से कम किया जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे वो एक चीज कंसर्निंग है, बट उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फर्क पड़ा है वो अभी तक देखने नहीं मिला है। तो जो भी कर रहा है एप्पल कंट्रोल रख के कर रहा है, और ये बेटा वर्जन से कोई फाइनल वर्जन नहीं, कि फाइनल वर्जन में अगर एप्पल इतना ज्यादा कम कर देता मल्टी कोर स्कोर तब थोड़ा कंसर्निंग होता, अभी भी है बट इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि सारी चीजें प्रॉपर्ली काम कर रही है। iOS 18.1 बेटा 1 में जो बैटरी लाइफ आपको देखने मिल सकती है वो बता देता हूँ। ये मेरे फोन का जो बैटरी का एक्सपीरियंस था वो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने देख सकते हैं आप जो लास्ट चार्ज किया था वो 100% पे किया था, उसके बाद जो आइडल बैटरी ड्रेन है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ट्यूजडे की रात यानी कि वेंसडे को जैसे ही 12 बजते हैं, ट्यूजडे की रात 12 बजेंगे तो वेंसडे लग जाता है, उस टाइम पे इसको 100% चार्ज किया था मैंने, और रात के 12 बजे चार्जिंग पे से हटा दिया था जैसे वेंसडे लगा, और सुबह वेंसडे की मतलब पूरे 8.5 घंटे बाद मैंने देखा तो आइडल बैटरी ड्रेन जो है वो 0% था। यहाँ पे देख सकते हो 100% है, तो यहाँ पे ये अच्छी बात है। अब बैटरी के अंदर चलते हैं, वो तो स्क्रीनशॉट था जो मैंने आपको बताया, अभी बैटरी के अंदर आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर कि हमको बैटरी लाइफ क्या निकाल के मिली है इस फोन के अंदर 15 प्रो मैक्स जो मेरा है iOS 18.1 बेटा 1 के ऊपर। तो यहाँ पे वेंसडे का देखेंगे आप तो अराउंड 3 आवर्स का स्क्रीन एक्टिव टाइम जो है देखने मिल रहा है, और आज ट्यूजडे का 10 मिनट का है, तो 3 घंटे का ही समझ लीजिए आप स्क्रीन एक्टिव टाइम मिला है, जो कि आधे से भी कम है मेरे आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए। जब iOS 17 पे मेरा आईफोन चलता था उस टाइम क्या वीडियो निकाल के देखिए 6, 6.5, 7 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम जो है हमको इजिली मिलता था ओवर 2 डेज, मतलब एक 24 घंटा पूरा गुजर जाता था, उसके बाद और 12 घंटे गुजर जाते थे, उसके बाद जो है और एक 6-7 घंटे समझ लीजिए या 4 घंटे गुजरते थे, 40 घंटों के अंदर मुझे जो स्क्रीन एक्टिव टाइम मिलता था वो 6-7 घंटे का था, जो कि फिनोमिनल है बैटरी लाइफ के लिए किसी भी फोन के लिए। बट यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आपके iOS 18 के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम जो है 3 घंटे ही हो चुका है ओवर सेम ड्यूरेशन। अगर मैं एक दिन के अंदर ही पूरा यूज करना चाहूँ तो शायद थोड़ा 1 घंटा मुझे ज्यादा मिल जाए, 4 घंटे मिल जाए, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बैटरी परफॉर्मेंस रहा है आज तक iOS 18 का। और iOS 18.1 बेटा 1 में ये और भी कम हो गया है, 3 घंटे से भी जो है कम ही समझ लीजिए यहाँ पे स्क्रीन एक्टिव टाइम हमको देखने मिल रहा है, और इसका रीजन है एप्पल इंटेलिजेंस। एप्पल इंटेलिजेंस भी अच्छी खासी बैटरी जो है वो ड्रेन कर रहा है, मैंने ज्यादा फोन को इस्तेमाल भी नहीं किया, यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम ज्यादा यूज किया है, थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि कैमरा का बहुत इस्तेमाल किया गया है तो बैटरी उतर गई और ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट भी नहीं है, क्लाइमेट ठंडा है, वेदर जो है एकदम प्लेजेंट है क्योंकि बारिश हो रही है, तो यहाँ पे हीट भी इसका रीजन नहीं है। चलिए बैटरी हेल्थ भी देख लेते हैं, बैटरी हेल्थ 91% थी जब हमने अपडेट किया था और अभी भी 91% है, यहाँ पे बैटरी हेल्थ को नुकसान तो नहीं पहुंचा है, लेकिन बैटरी हेल्थ को ओवरऑल iOS 18 के बेटा वर्जन जब से डाउनलोड किया है मैंने तब से नुकसान जो है पहुंचता चला जा रहा है, तो ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि हीटिंग का एक इशू जो iOS 18 के अंदर आया था इनिशियली उसकी वजह से बैटरी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं हीटिंग के बारे में, तो यहाँ पे हीटिंग इशू आपको इस वाले अपडेट में बिल्कुल ना के बराबर ही देखने मिलेगा, थोड़ा हीट हो रहा था जब मैंने अपडेट किया था जब वीडियो बना रहा था, लेकिन अभी जो है हीटिंग इशू ना के बराबर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एप्पल यहाँ पे जो स्कोर्स है गीकबेंच में जो हमारे निकल के आते हैं बेंचमार्क्स जो आते हैं उसमें यहाँ पे काफी कमी आई है उसमें, और इसकी वजह से शायद हीटिंग को एप्पल कंट्रोल कर पाया, लेकिन पहले ज्यादा स्कोर के साथ जहाँ पे देख सकते हैं आप 7400 वगैरह मल्टी कोर का स्कोर था उसके साथ 7 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था, उतनी जबरदस्त बैटरी लाइफ मिलती, लेकिन अभी यहाँ पे देख सकते हैं इतने कम स्कोर के साथ भी बैटरी लाइफ बहुत ही कम है, तो बेटा वर्जन का ये एक नुकसान होता है। होप कि जब तक स्टेबल वर्जन आए बैटरी लाइफ सुधर जाए आईफोन 15 प्रो मैक्स की और दूसरे आईफोन की जो भी iOS 18 चलाएंगे। इस वाले अपडेट के अंदर कोई भी नया मोडेम फर्मवेयर नहीं था, अगर आपको याद होगा मैंने आपको वहां पे बताया था कि मोडेम फर्मवेयर जो है यहाँ पे कोई भी नया नहीं है,
और इसमें आपको नेटवर्क रिलेटेड कोई भी जो है चेंजेस नजर नहीं आएंगे और यहाँ पे सेम चीज मुझे देखने मिली है, नेटवर्क के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एयरड्रॉप, ब्लूटूथ, वाईफाई, सेलुलर डेटा, हॉटस्पॉट सारी चीजें प्रॉपरली काम करी, ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि बेटा वर्जन में मैंने iOS 16 के टाइम पे देखा था बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया था नेटवर्क रिलेटेड, लेकिन अभी 17 ऑनवर्ड्स वो प्रॉब्लम नहीं आ रहे, तो ये अच्छी बात है और यहाँ पे भी उसमें दिक्कत नहीं है। इस अपडेट को करने से क्या आपको ग्रीन स्क्रीन इशू आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है? देखिए ये अपडेट आया है सिर्फ iPhone 15 Pro और Pro Max के लिए। ग्रीन स्क्रीन इशू देखिए ये वाले फोन पे ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है आपको, एक्चुअल में ऐसे ग्रीन स्क्रीन इशू होते हैं अपडेट करने से, लेकिन क्योंकि ये अपडेट सिर्फ 15 Pro और Pro Max के लिए आया है और 15 Pro और Pro Max के लिए कोई भी ग्रीन स्क्रीन इशू की शिकायत नहीं है, तो यहाँ पे iOS 18.1 बीटा 1 जो है ये एक अच्छा अपडेट है अगर आप करना चाहते तो, अगर आप कंसर्न है ग्रीन स्क्रीन के बारे में। तो बाकी चीजें जो है बैटरी लाइफ के बारे में जो मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें वो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन आपके फोन पे आना जो है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही समझ लीजिए, आ सकता है 1% चांस है, लेकिन अगर आ भी जाता है तो आपका 15 Pro और Pro Max वारंटी में है, अभी भी एक साल नहीं हुआ इसको लॉन्च हुए और आप उसको वारंटी में स्क्रीन या डिस्प्ले जो है वो रिप्लेस करवा सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। ऐसा होगा नहीं। पुराने वाले फोन के बारे में तो पुराने वाले फोन पे अपडेट है ही नहीं अभी फिलहाल, तो उसके बारे में फिर ग्रीन स्क्रीन के बारे में क्या ही बात करूं मैं। क्या अभी भी इसके अंदर कोई बग्स है, बग्स देखने मिल रहे क्या? बिल्कुल बग्स देखने मिल रहे हैं हमको, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था वॉल्यूम वाला बग, ये मेरे वाले फोन में तो है, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे बताना। इंस्टाग्राम वीडियोस में वॉल्यूम का प्रॉब्लम होता है, एक रील के बाद दूसरी रील देखकर फिर पुरानी रील पे आना पड़ता है, जब जाके वहां पे वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है और ये वॉल्यूम का टॉगल जो है ये काम करना शुरू हो जाता है। और इंस्टाग्राम के अंदर स्टोरीज में कोई भी साउंड नहीं आ रहा मेरे फोन में, आपके फोन में आ रहा है नहीं मुझे कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर के अंदर एप्पल ने ये ब्लूटूथ वाला टॉगल यहाँ पे ऐड किया था वो अभी तक वर्किंग नहीं है, तो यहाँ पे हम चलते हैं ब्लूटूथ ऑफ वाला जो टॉगल है वो यहाँ पे देख सकते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो अभी भी वर्किंग नहीं है। क्या म्यूजिक कंट्रोल्स एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया है? तो म्यूजिक कंट्रोल भी एप्पल ने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो ये भी बग यहाँ पे मौजूद है कि म्यूजिक कंट्रोल यहाँ से गायब हो गया है। और यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन है इसमें भी ये जो म्यूजिक कंट्रोल है वो गायब है, तो यहाँ पे इसको भी हम एक बार कस्टमाइज करते और यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जाते यहाँ पे देखते तो यहाँ से भी जो है म्यूजिक कंट्रोल आपको गायब नजर आएगा, तो इसमें भी वो बग मौजूद है। वॉलपेपर्स में जो 15 Pro और Pro Max वाले वॉलपेपर्स थे वो आज भी गायब है और जो ओरिजिनल वॉलपेपर्स है वो आपको नजर नहीं आएंगे, बस iOS 18 के वॉलपेपर्स जो है वो नजर आते रहेंगे, तो इस बात का भी आप ध्यान रख लेना। ये डायनामिक वाला वॉलपेपर जो है ये अच्छा लगता है मुझे, चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम, बाकी यहाँ पे कोई खास नया वॉलपेपर भी नजर नहीं आया। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि आपको iOS 18.1 बेटा 1 पे अपडेट करना चाहिए। अगर आपका 15 Pro Pro Max है और आप ऑलरेडी iOS 18 के बेटा वर्जन पे चल रहे हो, iOS 18 बेटा 4 पे चल रहे हो, बेटा 3 पे चल रहे हो, बेटा 4 पे चल रहे हो, बेटा 3 पे चल रहे हो, कोई रीजन नहीं है यहाँ पे अपडेट नहीं करने का, क्योंकि यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस के इतने जो फीचर्स आए हैं वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए और उस पर फीडबैक एप्पल को देना चाहिए ताकि वो और इंप्रूव हो। अदरवाइज अगर आप चल रहे हो iOS 17 के किसी वर्जन पे तो 17 पे रहिए, वो आपके फोन की बैटरी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फोन हीट भी ज्यादा नहीं होगा, फोन में आपको स्टेबिलिटी भी ज्यादा देखने मिलेगी। लेकिन ऑलरेडी अगर कूद चुके हो iOS 18 के बेटाज में तो बेटा 1 जो है iOS 18.1 का वो नहीं करने का कोई रीजन आपके पास नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर बैटरी लाइफ जो कि iOS 18 के बाकी वर्जन में भी बहुत ही घटिया है। तो यही दिखाने दोस्तों iOS 18.1 बेटा 1 के रिव्यू की, आपको कैसा लगा ये वाला अपडेट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।